We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. रिकॉर्ड ठीक है. अच्छा, अभी इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट लास्ट ईयर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एसओएफ. अभी बच्चे यही भूल गए होंगे कि एसओएफ हमने पढ़ा कहाँ पे था. तो ये एसओएफ यहाँ से आया था, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट के अंदर एसओएफ है. दिस इज स्टार्ट ऑफ फ्रेम. तो ये क्या करता है ये सब कुछ मैं बताऊंगी, पर ये स्ट्रक्चर तुमको याद होने चाहिए. ये 2 स्ट्रक्चर थे, ये पहले वर्जन का है ए वाला, एंड बी वाला जो है वो सेकेंड वर्जन, मतलब जो अभी यूज में आ रहा है. ये इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इस एसओएफ का ही है और किसी का नहीं है. तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स तुम ड्रॉ करोगे. तो सबसे पहले अगर प्रीएम्बल की बात करें या एसओएफ, प्रीएम्बल एसओएफ, तो इस ये कितना है, ये 8, ये जो 8662 ये सब लिखे, ये इनके बाइट्स, इनका साइज दिया हुआ है इन बाइट्स फॉर्मेट. की प्रीएम्बल जो है वो 8 बाइट का है, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 का है, सोर्स एड्रेस 6 का है. ऐसे ही टाइप 2 का है, इसमें लेंथ दिया हुआ है 2 का, डेटा पैडिंग एंड चेकसम, ये कितने कितने लेंथ के हो सकते हैं इन बाइट्स. तो प्रीएम्बल सबसे पहले क्या है, प्रीएम्बल मीन सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रेम की किससे होती है, प्रीएम्बल फील्ड से. ये 7, ये अपना जो प्रीएम्बल फील्ड है वो 7 बाइट का होता है. ये सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग हमेशा 10101, जो अल्टरनेट 1 और 0 से होती है, 10101010, 7 बाइट्स. जो लास्ट बाइट होता है दैट इज एसओएफ, स्टार्ट ऑफ फ्रेम. इसका काम, स्टार्ट ऑफ फ्रेम का काम सिर्फ और सिर्फ ये है टू टेल कि फ्रेम की स्टार्टिंग स्टार्ट हो रही है, और 1010 से हम स्टार्ट करते हैं. और एसओएफ हमेशा 1 बाइट होता है, 1 मतलब टोटल कितना बना, 1010111, लास्ट में जो 1 है ना, दिस इज एसओएफ, दिस 1 इज एसओएफ, स्टार्ट ऑफ फ्रेम. इस 1 से पता चलता है कि अब जो पीछे प्रोसीड करेगा, अब फ्रेम की स्टार्टिंग यहां से हो रही है. तो प्रीएम्बल फील्ड और स्टार्ट ऑफ फ्रेम का सिंपली यही काम है. और हर बार प्रीएम्बल फील्ड, जब कोई भी फ्रेम स्टार्ट होता है तो प्रीएम्बल फील्ड सबसे पहले स्टार्टिंग होती है. तो वो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 10 अल्टरनेट 10010 से, बस और कुछ नहीं. स्टार्ट ऑफ फ्रेम क्या है, ये 7 बाइट का था प्रीएम्बल फील्ड, स्टार्ट ऑफ फील्ड 1 बाइट का है, तो टोटल कितना हुआ, 8 बाइट्स का. तो इसीलिए हम बोलते हैं ये दिस इज 8 बाइट. तो इस स्टार्ट ऑफ फ्रेम हमेशा 1 बाइट होता है, 1 से पता चलता है कि अब इसके बाद हमारा फ्रेम स्टार्ट हो रहा है. सेकंड वन इज डेस्टिनेशन एड्रेस, मींस वो पैकेट जो है वो किसके लिए इंक्लाइंड है, वो किस स्टेशन के लिए है, उसका एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस में आता है. देन सोर्स एड्रेस, अपने खुद का मैक एड्रेस, दिस इज 6 बाइट की व्हिच कंटेन्स द मैक एड्रेस ऑफ सोर्स. ये किससे शोर आ रहा है, तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस है, ये सोर्स एड्रेस है, दोनों 6 बाइट के हैं. कुंजन प्लीज म्यूट करना, कुंजन ठीक है. ये डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया, सोर्स एड्रेस हो गया सिंपली. उसके बाद है लेंथ. लेंथ इज 2 बाइट की विच इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ एंटायर इथरनेट फ्रेम. लेंथ जो है वो 2 बाइट का है, और इन सबके बाइट्स की जो लेंथ, जो बाइट है उनको सबको तुम्हें याद करना है. विच इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ द इथरनेट, पूरे फ्रेम का कितना लेंथ है वो लेंथ फील्ड में आता है. टाइप क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इथरनेट टाइप्स फील्ड टू टेल द रिसीवर व्हाट टू डू विद द फ्रेम, फ्रेम के साथ हमें आगे करना क्या है. जैसे कि
मैक लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर का पार्ट है. डेटा लिंक लेयर के अबव नेटवर्क लेयर यूज होता है. तो जो नेटवर्क लेयर होता है वो भी मल्टीपल मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में बी इन यूज एट द सेम टाइम. एक टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स यूज में आ रहे होंगे. तो किन प्रोटोकॉल्स को हमने यूज करना है, किसको नहीं करना है, तो ये सब कुछ उस टाइप फील्ड में डिस्क्राइब करना होता है. द मल्टीपल नेटवर्क फ्रेम प्रोटोकॉल्स मे बी इन यूज एट द सेम टाइम ऑन द सेम मशीन. सो व्हेन एन इथरनेट फ्रेम अराइव्स द ऑपरेटिंग सिस्टम और द ओएस हैज टू नो विच वन टू हैंड द फ्रेम टू. ये फ्रेम जो आया है, रिसीव हुआ है, ये किस नेटवर्क लेयर को किस नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर करना है, ये इस टाइप फील्ड में डिफाइंड होता है. टाइप फील्ड स्पेसिफाइज विच प्रोसेस टू गिव टू द फ्रेम टू. डेटा एंड पैड फील्ड, सिंपली पेलोड फील्ड बोलो, डेटा फील्ड बोलो, इसमें आपका प्रॉपर पूरा डेटा जो आप भेजना चाहते हो वो इस फील्ड में आता है. इसका साइज 46 बाइट्स से 1600 बाइट्स तक होता है. तो मिनिमम मैम बहुत आवाज आ रही है. हाँ हाँ हाँ, मैंने हटा दिया. ठीक है. अच्छा, डेटा एंड पेलोड फील्ड, इसमें आपका प्रॉपर डेटा जो आप डेटा सेंड करने जाते हो वो इस फील्ड में आता है. हाँ, किसी को कुछ क्वेश्चन? तो वो इस डेटा फील्ड के अंदर आता है. इसके अंदर क्या होगा? अच्छा, इसकी जो लिमिट है वो है 46 bytes minimum and 1500 bytes maximum. अगर किसी डेटा का साइज 46 bytes से कम है तो क्या होता है कि इनको प्रॉपर एटलीस्ट इसका लिमिट 46 bytes है, तो 46 bytes उसको बनाना पड़ता है अपने आप से. अपने आप कैसे बनाएगा कि जीरो को वो पैड करता है, पैडिंग जीरोस. मतलब अगर किसी फ्रेम के अंदर जो डेटा फील्ड है वो प्रॉपर 46 bytes तक फिल नहीं हुआ तो लास्ट में खुद से जीरो ऐड हो जाते हैं. वैसे ही अगर आपका फ्रेम का जो साइज है, अगर आपका जो डेटा का जो साइज है वो 1500 इसका लिमिट है, मैक्सिमम इसका 1500 से ज्यादा नहीं जा सकता बाइट्स. अगर उससे ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो ये सिर्फ 1500 को ही अपने अंदर अपने डेटा फील्ड में स्टोर करता है. नेक्स्ट जो बच गए फील्ड्स, जो बाइट्स बच गए, उसके लिए नया फ्रेम स्टार्ट हो जाता है. द एक्स्ट्रा डेटा इज पैक्ड इनटू द नेक्स्ट पैकेट. वो नेक्स्ट पैकेट के लिए भेज दिया जाता है. एक साथ 1500 से ज्यादा बाइट्स नहीं आ सकते और 46 बाइट्स से कम भी ये नहीं लेता है. अगर कम है तो आगे जीरो पैडिंग हो जाती है. जीरो पैडिंग का सिंपली मीन्स है जीरो स्टफ किए जाते हैं, जीरो पीछे लगा दिए जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज चेकसम. हमने बहुत सारे पढ़े हैं, पैरिटी, सीआरसी, तो ये जस्ट चेकसम फील्ड वो है. इनका काम सिंपली क्या है, जस्ट टू डिटेक्ट अगर कोई करप्टेड डेटा पहुंचाए तो ये चेकसम उसका काम करता है. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्विच इथरनेट जब भी सेशन होगा. और अभी नेक्स्ट सेशन आप लोगों का 11:30 से है. सनी सर आपको इनवाइट भेजेंगे, तो आप लोग प्लीज उसको अटेंड कर लेना. किसी को कोई डाउट अभी तक उसमें? जीत? हाँ मैम, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया. ठीक है, ये स्ट्रक्चर याद रखना इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट का. हाँ मैम, डन डन. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं मैम? हाँ मैम. हाँ चांदनी. बामा मैम, ये पूरा आपने रिकॉर्ड किया है ना पूरा? हाँ किया है. ठीक है, ओके, भेज देना मैम प्लीज ये रिकॉर्डिंग पूरा. ठीक है, चलो. ओके ओके, बाय. हाँ मैम, भेज देना ना. हाँ, डन डन. ओके बाय बाय. हाँ bye man.